ओके सो हाय गाइस, बस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज किस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस इस टाइप का कॉन्सेप्ट। एंड गाइस, ये कॉन्सेप्ट देख के आप सभी को ऐसा लग रहा होगा कि हिम्मत भाई के तो 400,000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए थे, इसलिए भाई ने 400K के पीछे की तरफ अपने बैलून्स लगा रखे हैं। बट गाइस, आप सभी को सेम ऐसा करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर गाइस आप लोगों के 1000 सब्सक्राइबर या 1000 फॉलोअर्स कंप्लीट हुए हैं या फिर 2000, 3000, 4000, 10000 जितने भी कंप्लीट हुए हैं, आप गाइस सेम अपने मतलब कि पीछे बलून उतना ही लगा सकते हो। बट गाइस, आप सभी को कैसे लगाना है, क्या करना है, कैसे करना है, सब कुछ आप सभी को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो आप लोग वीडियो को कंप्लीट देखना। आप सभी को ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं कि आपके मतलब की वीडियो नहीं है, आप लोगों के मतलब की वीडियो है, इसलिए मैंने वीडियो बनाई है, वरना गाइस मैं नहीं बनाता। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को देख लेना, बाकी आपको सब समझ आ जाएगा। बाकी गाइस, इस वीडियो में जितने बैकग्राउंड पेजेस का मैं यूज करूंगा सभी का लिंक आप सभी को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप इजीली वीडियो देखने के बाद जगह डाउनलोड कर लेना। एंड गाइस, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज यार एक वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना। तो चलिए गाइस, आज किस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आप सभी को करना है गाइस, आप सभी को इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। देन गाइस, आप सबको चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस, आप सबको यहाँ पे अपने मॉडल को ऐड करना है। ठीक है, बैलून्स कैसे लगाना है वही मैं आप सबको बताऊंगा। पहले यहाँ पे गाइस हम अपने मॉडल को ऐड कर लेते हैं, तो मैं इसको पहले फटाफट से अच्छे तरीके से मैं ऐड कर देता हूँ यहाँ पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे हमने एकदम मतलब इसको एडजस्ट भी कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे हमने मॉडल को लगा दिया। अब गाइस जाएंगे हम ऐड फोटो में एंड यहाँ से गाइस लेंगे अपने यहाँ पे बैलून्स। तो गाइस सारे आपको बैलून्स यहाँ पे मैं सारे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको जितने भी दिख रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे हम 400K यहाँ पे पहले ले लेते हैं। ठीक है, तो हम 400K ऐड करेंगे एंड बाकी गाइस आप जैसा मर्जी चाहो वैसा ऐड कर सकते हो। 1K का करना चाहो तो 1K का कर सकते हो, 2K का चाहो तो वो भी कर सकते हो। ठीक है, आपको मतलब जितने फॉलोवर्स आपके जितने भी हो आप उतने ऐड कर सकते हो। ठीक है, आपको सारे नंबर्स यहाँ पे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप एक बार चेकआउट करना, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ठीक है, तो मैं गाइस इसको यहाँ पे फटाफट से ऐड करता हूँ एंड जो भी वेस्ट एरिया होगा इनको यहाँ पे सिंपली आपको इरेज कर लेना है। ठीक है, अच्छे तरीके से। ओके गाइस, तो यहाँ पे मैंने इसको 400K को भी एकदम अच्छे तरीके से यहाँ पे ऐड कर दिया है। अब गाइस इसमें हमें थोड़ा सा जो मतलब कि रिबन टाइप के जो गाइस वो लगाने हैं, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा गाइस, आपको जाना पड़ेगा ड्रॉ टूल में। ड्रॉ टूल में जाने के बाद गाइस आपको शेप वाले ऑप्शन में जाना है। शेप वाला ऑप्शन सबसे पहला वाला ऑप्शन जो आपको उसको लेना है एंड इसका जो साइज होगा आपको रखना है 3 तक एंड यहाँ पे कर देना है सेट। एंड उसके बाद गाइस आपसे कुछ इस टाइप से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी है। ठीक है, सारे बलून्स के ऊपर कुछ इस टाइप से ऐसे लाइन ड्रॉ कर देना है। ठीक है, अच्छे तरीके से बिल्कुल। एंड गाइस उसके बाद जो आपका वेस्ट एरिया होगा, जैसे कि गाइस आपको मैं दिखाता हूँ मैं फोटो को जूम करके, सो हमें जहाँ से इरेज करना है गाइस पहले इरेजर सेलेक्ट कर लेना है। एंड गाइस आपको जो वेस्ट एरिया ऊपर की तरफ इसको आपको सिंपली कुछ इस टाइप से ऐसे इरेज कर देना है। ठीक है, इस तरीके से इरेज कर देना है। एंड गाइस आपको सारे जितने भी ऊपर नीचे हर जगह से यहाँ पे इरेज कर देना है, तो हम इस साइड से भी इरेज कर लेते हैं। ओके सो गाइस, यहाँ पे भी हमने इतना इरेज कर लिया है। ठीक है गाइस, अब इस क्या करेंगे, अब इसको हम सिंपली डन कर देंगे। एंड उसके बाद गाइस यहाँ पे हमें बनाने अपने मॉडल के नीचे शेडो, तो गाइस क्या करेंगे हम यहाँ से जाएंगे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहाँ से हम ले लेंगे ब्लैक कलर का PNG। तो गाइस इसको आपको यहाँ पे सिंपली ऐसे करें फुल साइज करके ऐसे ऐड कर देना है। देन जाना गाइस आप सभी को यहाँ पे इरेजर टूल में, इसको यहाँ पे कर देना इन्वर्ट एंड उसके बाद ब्रश लेना, साइज को अपने अकॉर्डिंग रख लेना है। एंड गाइस यहाँ से आपको अपनी फोटो को जूम करना है। देन गाइस आप सभी को अपने पैरों के नीचे कुछ इस टाइप से शेडो क्रिएट कर देनी है। ठीक है, एकदम रियलिस्टिक टाइप से। बाकी गाइस आपको यहाँ पे इसकी जो हार्डनेस वगैरह होगी वो ज़्यादा लग रही होगी, बट गाइस इसको हम यहाँ पे अपने जो ओपेसिटी वाले ऑप्शन से इसको हम मैनेज कर लेंगे, इसकी हार्डनेस वगैरह को। ठीक है, तो इसको हम यहाँ से शेडो को जो ओपेसिटी यहाँ पे हम करके कम कर लेते हैं, जितना आप चाहो उतना रख सकते हो गाइस यहाँ पे। ठीक है, एंड उसके बाद यहाँ पे आपको सिंपली डन कर देना है। देन गाइस जितना कर देने के बाद आप सबको यहाँ से अपनी फोटो यहाँ पे सेव कर लेना है एंड इसको यहाँ से लेके चलना है लाइट रूम ऐप में, क्योंकि गाइस वहाँ से हमारी कलर रिटच होगी। सो गाइस उसके बाद आपको जाना है लाइट वाला ऑप्शन में, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा बढ़ा देना है, हाईलाइट को थोड़ा सा इंक्रीज थोड़ा कम कर देना है, शेडो को आपको थोड़ा इंक्रीज कर देना है, व्हाइट को थोड़ा कम कर देना है एंड ब्लैक को जो है थोड़ा सा बढ़ा देना है। ठीक है, एंड इसको चले जाना है कलर्स वाला ऑप्शन में, वाइब्रेशन को बढ़ा देना है, टेम्परेचर को कम कर देना है, मिक्स टूल में जाना है
ऑरेंज कलर को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, सैचुरेशन को माइनस कर देना है, ल्यूमिनस को बढ़ा देना है, फिर गाइस आपको जाना है येलो कलर में। आप स्काई बैलून का कलर चाहो तो आप कैसा भी रख सकते हो, ऑरेंज रखना चाहो ऑरेंज रख सकते हो, ठीक है। तो ह्यू चेंज करके आप रख लेना, बाकी का पूछ जाना डार्क ब्लू में, इसके बाद आपका सैचुरेशन माइनस कर देना है, देन गाइस यहाँ सबको कर देना है अब डन। फिर उसके बाद जाना गाइस आपको नीचे वाले टूल में, फोटो की जो क्लियरिटी की गाइस आपको उसको बढ़ा देना है, ठीक है। एंड विगनेट डाल देना है पहले, एंड फिर क्लियरिटी को आपको बढ़ा देना है। नीचे स्क्रॉल करोगे आपको मिलेगा ग्रेन अमाउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। फिर जाना आपको गाइस नीचे वाले टूल में, फोटो की जो शार्पनेस होगी आपको उसको इंक्रीज कर देना है, एंड जो गाइस नोट रिडक्शन होगा आपको उसको बढ़ा देना है, एंड नीचे मिलेगा आपको कलर नोट रिडक्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो गाइस फाइनली फोटो का रिजल्ट है जो आप सभी के सामने। तो गाइस आशा करता हूं आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो चलिए गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।